कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद नासिर हुसैन जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो किसान जो है आज अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं इस मसले पे। आप पहले सस्पेंड हुए थे जब लॉज आई थी, और अब जो है फिर से आपको सस्पेंड किया हुआ है राज्यसभा के अंदर से, बिकॉज आप लोगों ने लास्ट सेशन में इस लॉ के ऊपर जो है प्रोटेस्ट किया था। पहली बात तो पूरे देश भर के किसानों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से 14 महीने से वो लोग डटे रहे, पूरे देश भर में आंदोलन चले, दिल्ली के बाहर सड़कों पर बैठे रहे, धूप में, ठंड में, बारिश में बैठे रहे अपने मांगों को लेके, और इस सरकार को, इस अहंकारी सरकार को झुका दिया उन्होंने। इस चीज पे मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था कि ये काले कानून है, ये कानून किसान विरोधी है, ये कानून छोटे किसान को खत्म कर देगा, ये कानून किसानों की जमीन छीन लेगा, ये कानून एपीएमसी मार्केट्स खत्म कर देगा। सारी चीज हम लोगों पहले ही बताया था। अब इस बात को मानकर सरकार इसको वापस लेना पड़ा। अब जितने भी और भी इनके मुद्दे थे, एमएसपी के, मुआवजा के, ये सारे जो मुद्दे थे, इस पे सरकार के और ये किसान जो आंदोलित थे उनके बीच में बातचीत भी है, और कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। अब ये किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे तो भी हम जो है ये जितनी भी आश्वासन सरकार दे रही है, हम सरकार पे दबाव बनाएंगे ताकि ये सारे आश्वासन वो फुलफिल करें, एमएसपी को लेजिटिमेट करें, और उसके साथ साथ में ये जितने 750-800 किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। कॉम्पनसेशन के मुद्दे के ऊपर जो है आप कह रहे हैं कि जंग जारी रहेगी। कॉम्पनसेशन और एमएसपी, ये दो बड़े मुद्दे हैं, इसके ऊपर जंग जारी रहेगी। उसके साथ में किसानों को और जो भी सुविधाएं देना चाहिए उसके ऊपर भी बात होगी। और परसों जब सीपीपी की चेयरपर्सन बात कर रही थी हम तमाम लोगों को, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बड़ी बहस होना चाहिए, बड़ी चर्चा होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे लाएं, और रिफॉर्म्स में किसान केंद्र में रहना चाहिए, किसान सेंटर में, सेंटर ऑफ रिफॉर्म्स रहना चाहिए। इस बात को हम उठाएंगे। आगे की अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि आपके कुछ सांसदों ने आज भी एक जो है एडमिट मोशन दे रखा है हाउस के अंदर कि इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन की जाए। देखिए, हम लगातार, राहुल गांधी जी परसों नोटिस दे रखे थे एडजमेंट का, हम लोगों ने पिछले सेशन में नोटिसेस पे नोटिस दे रखे थे इस चीज पे डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन के तो नोटिसेस दे ही रहे हैं, और साथ में सारे अपोजिशन पार्टी का ये कहना है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकत्रित होकर उन्होंने कहा कि जब तक 12 सांसद वापस नहीं आएंगे राज्यसभा में जो है हंगामा चलते रहेगा। तो ये थे नासिर हुसैन हमसे बात करते हुए, कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ, मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।